प्रदेश के अमरोहा में चोरों ने भारतीय किसान यूनियन के नेता के भाई समेत तीन घरों में कपड़े, आभूषण, नकदी समेत लगभग 10 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया गया है। चोरी की ये घटना राहरा थाना क्षेत्र के ग्राम गंगेश्वरी में मंगलवार रात की है। गांव निवासी ठाकुर महेश्वर सिंह भारतीय किसान यूनियन के हसनपुर तहसील अध्यक्ष है। देर रात चोर उनके बड़े भाई सुरेश ठाकुर के मकान में घुस गए और सभी परिवार वाले बरामदे में सो रहे थे, जिसके बाद चोरों ने बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर कमरे में रखी सेफ का भी ताला तोड़ दिया। यहां से 15,000 रुपए की नकदी, दो जोड़ी चांदी की पायल, दो सोने की अंगूठी, दो जोड़ी सोने के कुंडल, एक सोने का मंगलसूत्र चोरी कर लिया। रात 11 बजे के बाद मैं 11 बजे सोती, 2:30 बजे उठी तो मुझे यहाँ सब खुला हुआ मिला और मेरे लड़की के सामान रखा हुआ था, जेवर रखे हुए थे लड़की के और 6,000 रुपये नकद थे, दो सोने के मंगलसूत्र, दो सोने की अंगूठियाँ, दो जोड़ी का जेवर। लगभग कितने सामान की चोरी हुई, आप कितने रुपए के? ऐसे ही 1-1.5 लाख रुपये से ऊपर का हिसाब बैठा हुआ, जो सोने चांदी की चीज़ें हैं। कब की घटना है ये? रात की घटना। क्या नाम आपका? अशोक कुमार। पिताजी का नाम? कलवा सिंह। गांव कौन सा? गंगेश्वरी। अच्छा, ये जो चोरी हुई है क्या मामला? चाचा का घर है जी हमारे का, रात को 12 बजे घटना आई। ये यहाँ पे है नहीं, मुरादाबाद के दोनों चाचा और चाची हमारे, और यहाँ से तीन मंगलसूत्र, तीन जोड़ी पजेब और दो अंगूठी सोने की और तीन जोड़ी पायल और 5,000 रुपये नकद, ये चोरी हुए सर। और सर कुछ साड़ियाँ भी चोरी हुई हैं जो मतलब हमने देखी नहीं, चाचा आके बता दिया। कब की घटना है? रात 12 बजे करीब सर। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना कर दी 112 नंबर पर। इस घटना की जानकारी मिलते ही लोगों के होश उड़ गए। पीड़ितों ने घटना की तहरीर पुलिस को दे दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। न्यूज डेस्क अमरोहा टीवी।